हिंदी ज्ञान गंगा के इस पटल पर आप सभी मित्रों का, पाठक बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, हिंदी ज्ञान गंगा के इस चैनल पर हम हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखन परंपरा के अंतर्गत उन इतिहासकारों का अध्ययन कर रहे हैं जिन्होंने इतिहास लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमने गारसा दत्तासी से लेकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर्यंत चर्चा कर चुकी थी। चर्चा पर चर्चा के इस संगम पर आज हम चर्चा करेंगे एक विशेष इतिहासकार की, आलोचक की, व्यंगकार की, एकांकीकार की। एक ऐसा इतिहासकार जो 19वीं शताब्दी में जन्मा, उनका नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। मित्रों, आज हम राम कुमार वर्मा के विषय में चर्चा करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इनके जीवन से, इनके ग्रंथों से जो प्रश्न बनते हैं उसी को ध्यान में रखकर हम चर्चा करेंगे। तो व्यक्तिगत जीवन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म 1905 ईस्वी में मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ। इनके पिता का नाम लक्ष्मी प्रसाद वर्मा और माता का नाम राज रानी देवी था। बचपन में इन्हें कुमार नाम से बुलाया जाता था और इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही कि ये असहयोग आंदोलन में एक आंदोलनकारी के रूप में राष्ट्र के समक्ष आए। और वर्मा जी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देखेंगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया था और नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी विषय से लेकर हिंदी का आलोचनात्मक इतिहास इस विषय से पीएचडी की थी। आचार्य डॉक्टर वर्मा प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक रहे और वहीं पर कई वर्षों तक हिंदी के विभाग अध्यक्ष भी रहे। डॉक्टर वर्मा को हम हिंदी के एकांकी के जनक के रूप में जानते हैं। मित्रों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हिंदी के एकांकी के जनक कौन है, हिंदी साहित्य में एकांकी के जनक कौन है, तो उसका उत्तर हमारा होना चाहिए राम कुमार वर्मा। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और साहित्यिक विषयों पर इन्होंने 150 से अधिक एकांकी लिखी है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि भगवती चरण वर्मा ने इन्हें रहस्यवाद का पंडित कहा था। किसे? डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। किसने? भगवती चरण वर्मा ने। क्या कहा? रहस्यवाद का पंडित। रहस्यवाद का पंडित भगवती चरण वर्मा ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा को कहा था। इनकी विद्वता को, साहित्य में महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए भारत सरकार ने 1963 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया, अलंकृत किया। अब हम इनकी विशेष पुस्तक है जिसका अध्ययन अध्यापन हम इसलिए करते हैं कि इसका हिंदी साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है। मित्रों, इनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसको अधूरा ग्रंथ नाम से भी हिंदी साहित्य में जाना जाता है क्योंकि मित्रों, इसका एक प्रकाशन तो 1938 ईस्वी में प्रकाशित हो गया था जिसमें इन्होंने भक्ति काल तक की चर्चा की है, परंतु दूसरा प्रकाशन इनका ना प्रकाशित हो सका, ना ही इन्होंने रीति काल और आधुनिक काल के विषय में कोई जानकारी दी, इसलिए इसे अधूरा ग्रंथ कहा जाता है। इस पुस्तक में 7 प्रकरण हैं।
और इसमें जो इतिहास लिखा गया वह लगभग 1000 वर्षों का इतिहास लिखा गया, जिसे 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक का माना जाता है। इसका जो आधार ग्रंथ था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने जो लिखा, उसका जो आधार ग्रंथ था जिसको उन्होंने आधार बनाया वह था हिंदी साहित्य का इतिहास, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा उसी को इन्होंने आधार बनाया और उसी के आधार पर अपने इतिहास का निर्माण किया। काल विभाजन में इन्होंने आदिकाल के दो भाग किए, पहले भाग को संधिकाल कहा जो 750 ईस्वी से विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत तक माना गया, और दूसरा इन्होंने आदिकाल का ही दूसरा भेद माना चारण काल, जिसे इन्होंने 1000 विक्रम संवत से 1300 विक्रम संवत तक माना, जिसे आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा उसी को डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने चारण काल कहा, जबकि इन्होंने संधिकाल अपभ्रंश के साहित्य को हिंदी के साहित्य में सम्मिलित कर लिया और उस काल को संधिकाल कहा। दूसरा काल भक्ति काल आया, भक्ति काल का समय इन्होंने 1375 संवत से 1700 विक्रम संवत तक माना, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही मत है। रीतिकाल को भी इन्होंने आचार्य शुक्ल के मत के ही अनुसार 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत तक माना, और आधुनिक काल को 1900 विक्रम संवत से अब तक माना। मित्रों, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास की भी बड़ी आलोचनाएं हुई, क्योंकि इन्होंने हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को माना और हिंदी साहित्य में अपभ्रंश को भी सम्मिलित कर लिया, जिसके वजह से इनकी बहुत आलोचना होती रही। ये थी डॉक्टर राम कुमार वर्मा की महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आप पढ़ते रहें, मस्त रहें।